अक्सर लोगों से जब मैं बात करता हूं तो मैं ये पूछता हूं कि कोई मुझे एक्सपीरियंस का मतलब एक शब्द में समझा सकता है क्या, उसकी परिभाषा बता सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि एक्सपीरियंस का मतलब होता है आप बीती, जो हम पे बीती है वो हमारा एक्सपीरियंस है, जो किसी और पे बीती है वो उसका एक्सपीरियंस है। राइट, जब एक प्रेजेंटेशन पे बात की गई अभी, वो ये कहा गया डेवलपमेंट और अडॉप्शन, राइट, देयर वाज अ डिफरेंस। जब हम बात करते हैं अडॉप्ट करने की, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि हम एक प्रोडक्ट लाए और यहां पर हम उसको बनाना शुरू कर दिया, राइट। और एक होता है डेवलपमेंट कि हमने जीरो से स्टार्ट किया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज हम ईवी गाड़ियों में बात करें, ईवी में अगर बात करें, तो हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी जो है आज वो टाटा है। क्या आप लोग मुझसे एग्री करते हैं? दे आर पायनियर, दे आर नंबर वन, जिन्होंने सबसे हाईएस्ट सेल भी की है और सबसे पहले शुरू हुए, करेक्ट। लेकिन अगर आप देखें, ध्यान से समझें, तो मैं अगर टाटा की बात करूं, महिंद्रा की बात करूं, मारुति की बात करूं, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की, इन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब तक ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे ना, इनकी इंडिका कार कभी कामयाब नहीं हुई, ये कंपनी कभी मारुति से आगे नहीं जा पाई। जब इन्होंने रेंज रोवर से, लैंड रोवर से हाथ मिलाया तो अडॉप्शन आया, तो इन्होंने उसको अडॉप्ट करके इंडिजनाइज किया। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना है कि आप अडॉप्शन करना चाहते हो, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिंदुस्तान को नंबर वन कंट्रीज की रेस में लाके खड़ा कर दें, तो आपको 50 साल लगाने की जरूरत नहीं है, आप उनकी गलतियों से सीख लें।